नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। दिन भर पेड़ से बहता रहता है पानी, होते हैं कई चमत्कार। दुनिया में ऐसे बहुत से पेड़ हैं जिन्हें चमत्कारी माना जाता है। इनके चमत्कार के कारण इनकी चर्चा अधिक होती है। आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इस पेड़ से दिन भर पानी बहता रहता है, जानिए क्या है इसके कारण। दरअसल हरियाणा के नूह जिले से 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की निचली सतह पर स्थित है एक मंदिर। मंदिर में कदम का पेड़ है जिसमें से हमेशा पानी बहता है। इतना नहीं, कहा जाता है कि लोग इसे चमत्कारी पानी मानते हैं। कहा जाता है इसे नहाने से चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब इसे लेकर यहाँ के लोगों से बातचीत गई तो सामने आया कि यहाँ से लोग पानी को अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं कि इस पानी से उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। यहाँ एक मंदिर है जिसे लोग नलहेड़ेश्वर मंदिर मानते हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार ये मंदिर एक वक्त में पांडव कालीन शिव मंदिर के नाम से काफी मशहूर था, किंतु मुस्लिम संख्या वाले नलहड़ गाँव के लोगों ने इसे गाँव के साथ साथ जोड़ते हुए नलहेड़ेश्वर मंदिर का खिताब दे दिया। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में काफी पर्यटक यहाँ आते हैं और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ वक्त बिताया था। कैसी लगी खबर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मजेदार जानकारियों और खबरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।